अच्छी लग रही हो। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था कि तुम्हारा अंजाम यही होगा। मैंने तुम्हें बता दिया था कि यहाँ कबीला का मत बनाना। देख लिया क्या हाल हुआ तुम्हारा, अपने ही कबीले में कैदी बन गए। अफसोस, तरस तक नहीं आता तुम लोगों पर। तो फिर अपने आप पर तरस खाओ। अगर हम मरे तो अपनी जमीन के लिए मरेंगे। तुम बुजदिल लोग अपनी जमीनों के लिए जान तक नहीं दे सकते। तुम तो अस्कलान भी छोड़कर भाग गई थी। लेकिन देखो अब मैं यहाँ हूँ। इस कबीला काह की तरह तुम भी मेरे पैरों के नीचे हो इस वक्त। गिरकर कैसे खड़े होते हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं, और जिस दिन खड़े हुए उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। मलिक मौदूद अपने सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ बढ़ रहा है। क्या हमारे तमाम सिपाही जंग के लिए तैयार हैं? जी सरदार, वो सब तैयार हैं। आओ मौदूद, शुरू करो अपने हमले को। शुरू करो ताकि मैं भी इनका कत्लेआम करूं। जितना भी खून तुम लोगों ने हमारा बहाया है, याद रखना उस खून के एक एक कतरे का मैं हिसाब लूंगा।